साल 2007 में आई फिल्म चक दे इंडिया तो आपको याद ही होगी, और इस फिल्म में नजर आई एक्ट्रेसेस को भी आप नहीं भूले होंगे। फिल्म से शाहरुख खान की हॉकी टीम की एक्ट्रेसेस काफ़ी मशहूर हुई थी, जिसमें कोमल चौटाला बनी चित्रांशी रावत नजर आई थी। फिल्म में चित्रांशी रावत को सबसे कम उम्र की नटखट हॉकी स्टूडेंट के किरदार में दिखाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चित्रांशी रावत सच में उस वक्त एक हॉकी प्लेयर थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर चित्रांशी रावत की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे कि चित्रांशी पहले से कितना बदल चुकी हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। फिल्म में हरियाणवी छोरी का किरदार निभा चुकी चित्रांशी अब देखने में बेहद ग्लैमरस है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। चित्रांशी फैंस के साथ अपने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। चित्रांशी का इंस्टाग्राम उनकी खूबसूरत तस्वीरों से भरा पड़ा है। चित्रांशी की तस्वीरों को फैंस पसंद भी करते हैं और कमेंट में उनके लिए प्यार भी लुटाते हैं। हाल ही में चित्रांशी ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह मस्टर्ड टाइगर प्रिंट टॉप और ब्लैक जीन्स में सनसेट का आनंद ले रही हैं। तस्वीर में चित्रांशी के घुंघरेले बाल उनके लुक और परफेक्ट बना रहे हैं। वहीं इससे पहले चित्रांशी ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए थे जो फैंस को पसंद भी आए। चित्रांशी रावत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पास फिल्म चक दे इंडिया का ऑफर आया था तो उस समय वह राष्ट्रीय कैंप में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिल्म के ऑफर के लिए उन्होंने हॉकी को छोड़ दिया। चित्रांशी रावत चक दे इंडिया के बाद तो लक और फैशन जैसी फिल्मों में नजर आईं, जिनसे उनकी फैन फॉलोइंग में काफ़ी इजाफा हुआ। फिलहाल चित्रांशी कई वेब सीरीज में काम कर रही हैं। हॉकी से उनका लगाव फिल्मों में आने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है, और आज भी उन्हें जब समय मिलता है तो वह हॉकी खेलती हैं। एक इंटरव्यू में चित्रांशी ने बताया था कि वे भले ही उत्तराखंड की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणवी भाषा को सीखा और उसके बाद फिल्म चक दे इंडिया के लिए खुद डबिंग की थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।